हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी आई होप सब बहुत अच्छे होंगे टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नेम इज़ द स्टोरी ऑफ बैसाखी सो लेट्स रीड अबाउट द लेसन न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन फर्स्ट जनवरी बट फॉर द पीपल ऑफ पंजाब न्यू ईयर फॉल्स ऑन थर्टीन अप्रैल एवरी ईयर दिस डे इज कॉल्ड एज बैसाखी बैसाखी इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द सिक्स द स्टोरी अस वाई जो स्टोरी है ये बताती है बच्चे अबाउट द लेसन के अंदर कि जो वर्ल्ड है वर्ल्ड के अंदर जो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है वो सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट जनवरी को लेकिन पंजाब के लोग थर्टीन अप्रैल से ही मानते हैं कि हमारा नया ईयर स्टार्ट हुआ है और वे इसको बैसाखी के नाम से जानते हैं और इसको सेलिब्रेट भी करते हैं एज अ फेस्टिवल के रूप में तो देखते हैं कि क्यों करते हैं और ऐसा क्या रीज़न है So let's read the chapter. It was springtime and Guru Govind Singh had called his followers together for the festival of Besakhi. The smell of spring flowers filled the air as his followers hurried up the hilltop to the fortress castle of Anandpur. There, a last tent had been set up. There was a lot of noise and activity as the people gathered around. अब ये किसका टाइम था स्प्रिंग टाइम था और गुरु गोविंद सिंह बच्चों यहाँ पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठे बुलाया फेस्टिवल ऑफ बैसाखी के दिन यहाँ पर जो फ्लावर्स थे उनकी स्मेल थी काफी वो वहां पर फैली हुई थी हवा के अंदर जो फॉलोअर्स थे वो हिल टॉप पर वहां पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्होंने देखा आनंदपुर के अंदर एक फोर्ट्रेस जो है कास्टल वहां पर आ गए थे वहां पर एक लार्ज टेंट लगा हुआ था जहाँ पर बहुत सारी नॉइज और एक्टिविटी हो रही थी और सब लोग इकट्ठे हो गए थे सडनली द क्राउड फेल साइलेंट एज गुरु गोविंद सिंह वॉक टू द फ्रंट ऑफ द टेंट विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड एवरी वन वेटेड एक्सपेक्टेंटली अचानक से गुरु गोविंद सिंह वहाँ पर आ गए और जो जितना भी क्राउड था वो बिल्कुल शांत हो गया वो वहाँ सामने आकर खड़े हो गए और उनके हाथ में क्या थी स्वॉर्ड स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है बच्चे तलवार

दे सके अपनी लाइफ को दे सके ही क्राइड लुकिंग एट द क्राउड बिहाइंड ऐसे ही सारे जो क्राउड था वो एक दूसरे को देखने लग गया देयर वॉज अ शॉर्ट पोज वहां पर अचानक से बिल्कुल सन्नाटा हो गया नो वन स्पोक और कोई भी वहां पर नहीं बोल रहा था इज देयर एनी वन अमंग वुड ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड एंड हिज गुरु हिज वॉइस रेंग आउट अगेन मोर लाउडली दिस टाइम अब की बात और जोर से आवाज आई क्या कोई भी तुम्हारे बीच में से है जो अपनी लाइफ को ले डाउन कर पाए गॉड के लिए और अपने गुरु के लिए द पीपल इन द क्राउड टर्न टू ईच अदर इज डिसबिलीव हैज ही कॉल्ड अस हेयर डाई दे आज वन एन अदर श्योरली ही इज एन सीरियस द पीपल इन द क्राउड टर्न अब जो सारा का सारा जो क्राउड था वो कैसे ईच अदर इज डिसबिलीव डिसबिलीव में हो चुका था कि लग रहा था कि अब वो बिलीव नहीं है है ना उनके अंदर विश्वास नहीं है अब हैज ही कॉल्ड आस टू डाई और कि अब वो क्या मरने जा रहे हैं दे वन आदर और वो एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं श्योरली ही सीरियस क्या कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत सीरियस है द गुरु वेटेड मूव फॉरवर्ड आउट ऑफ द क्राउड हिज नेम वॉज दया आई वुड विलिंगली ले डाउन माई लाइफ फॉर माई गॉड एंड गुरु ही एट द गुरु अब जो पूरी भीड़ के अंदर से एक व्यक्ति आया ठीक है क्राउड के अंदर से और उसका नाम क्या था बच्चे दयाराम और उसने विलिंगली वो वहाँ पर बैठ गया और उसने बोला यस yes, मैं अपने गॉड और अपने गुरु के लिए अपनी जान दे सकता हूँ कम विद मी रिप्लाई द गुरु एंड लेड हिम इन टू द टेंट और गुरु ने क्या आवाज दी कि आओ तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे टेंट में आओ द पीपल वॉचिंग हैश Then a third, and Guru गोविंद Singh returned to the crowd and holding his sword in the air, it seemed to be dripping with blood. They all was stunned. अब यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या द पीपल जो हैं लोग वो देख रहे थे और उनकी जो ब्रैथ जो सांसें थी वो भी किस तरह से हेल्ड हो रही थी सडनली वहाँ पे एक आवाज़ आती है and there Was वॉज अ होश एंड देयर वॉज अ थंड गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं दोबारा से वापस आते हैं क्राउड के पास और अपनी स्वॉर्ड को लेकर आते हैं हवा में हवा में हिलाते हैं और कैसे इट सीम टू बी ड्रिपिंग विद ब्लड ऐसा लग रहा था कि जो उनकी तलवार है उसमें से खून टपक रहा था ड्रिप कर रहा था दे ऑल वॉजड और सब उसको देखकर स्टंड हो गए चुके थे बिल्कुल हैरान हो गए थे हु विल बी नेक्स्ट ही क्राइड हु एल्स विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड एंड हिज गुरु तो अब वो दोबारा से पूछते हैं अब नेक्स्ट कौन है जो अपनी लाइफ को ले डाउन कर सकता है गॉड और गुरु के लिए द पीपल वर हॉरीफाइड एंड वाई द गुरु डूइंग दिस तो लोग बहुत डर गए थे हॉरीफाइड क्या मतलब क्या होता है बच्चे डरना बहुत डर गए थे और वो सोचे थे गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आई एल विलिंगली ले डाउन माई लाइफ फॉर गॉड एंड गुरु सेड अ सेकेंड वॉइस फ्रॉम द क्राउड अब दोबारा से एक आवाज और आती है यस आई कैन एंड आई ले डाउन माई लाइफ फॉर गुरु एंड गॉड द मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड अब वो जो मैन है वो वहां पर आगे आ जाता है द गुरु लेड हिम इन टू द टेंट अगेन दे हर्ड अ होश फॉलोड बाई अ थर्ड वन मोर द गुरु रीअपियर्ड विदर्ड अपली ड्रिपिंग विद ब्लड दोबारा से गुरु आते हैं और अपनी वही तलवार को लेते हुए वैसे ही खून में लतपथ और वैसे ही उसके में से खून ड्रिप करता हुआ नजर आता है द गुरु आज पीपल द टेरिबल क्वेश्चन टाइम्स टाइम अ केम फॉरवर्ड द गुरु द टेंट विद हिम एंड देन रिटर्न टू क्राउड अलोन इस टाइम द क्राउड हर्ड अ टेरिबल नॉइज एंड सो दैट लुक लाइक अ ब्लड स्टेंट सोर्ड द पीपल वॉचिंग वर्ड सो शोक्ड दैट मैनी स्टार्टेड रनिंग अवे इन फ्यर सोबिंग अब गुरु गोविंद सिंह दोबारा से पूछते हैं आज करते हैं वही टेरिबल क्वेश्चन ठीक है और उसको ही थ्री टाइम्स वो एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम वॉल्टियर केम फॉरवर्ड हर बार नए नए वॉल्टियर आगे आते जा रहे थे और वैसा ही होता जा रहा था टेंट के अंदर जा रहे थे दोबारा से वैसे ही वो वापस आते और उसी टेरिबल क्वेश्चन को दोबारा से ही वो सुन बोलते थे अब दोबारा से वैसे ही अपना ब्लड स्टेन स्वॉर्ड को लेकर आते और वैसे ही करने लग गए ब्लड सब जो बहुत सारे लोग थे वो सारी चीज़ों को देखे जा रहे हैं और शौक हुए जा रहे हैं ना और स्टार्टिंग रनिंग अवे इन फियर और ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत ज्यादा डर गए हैं और सोबिंग कर रहे हैं सडनली द गुरुज वॉइस कुड बी हर्ड अबाउट द टेरिफाइड क्राइसिस वेट ही कॉल्ड डोंट गो आई हैव समथिंग टू शो यू सडनली वहां से गुरु की आवाज आती है कुड बी हर्ड अब वो क्या कि तुमने कुछ सुना Crisis, सुनी कुछ Wait, he called, और उसको इस तरह से बोलते हैं कि तुम you, कि तुम मत जाओ मुझे मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है आप जो गुरु है, वो टेंट के अंदर चले जाते हैं फ्यू मिनट्स लेटर ही रिटर्न विद ऑल फाइव मैन देर नीटली टायर्ड इन टर्बर्स द क्राउड गेस्ट इन डिसीव हाउ कु मैन बी अलाइव तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ही वो अंदर जाते हैं और टेंट के अंदर जब बाहर निकल कर आते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों वो देखते हैं कि जो पांचों के पांचों व्यक्ति थे वो अब एक नीटली टायर्ड इन टर्बंस मतलब उनके सर पर पगड़ी बंधी हुई थी द क्राउड गेस्ड इन डिसबिलीफ और जो क्राउड था वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये जो लोग मर चुके थे ये कैसे जिंदा हो गए द गुरु स्पोक यू ऑल हैड सो लिटल फेथ एक्सेप्ट फॉर दीज फाइव मैन तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि इन पांच व्यक्तियों के अलावा आप सबके अंदर सिर्फ थोड़ा सा फेथ है है ना? वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेवरी आई विल कॉल दीज मैन द ब्लेस्ड फाइव तो उन्होंने बोला कि किस तरह से इन्होंने शो किया है अपनी स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेवरी को हमारे सामने और मैं हमेशा इनको याद रखूंगा कि ये ब्लेस्ड रहेंगे ये पांचों के पांचों व्यक्ति हमेशा कहेंगे आई विल कॉल दिस मैन द ब्लेस्ड फाइव द ग्रुप पॉइंटेड टू द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम आई वॉन्ट ऑल सिक्स टू बी ब्रेव एंड फियरलेस लाइक दे वर और मैं चाहता हूं जितने भी सिख हों वो कैसे होने चाहिए इन पांचों की तरह होने चाहिए बिल्कुल फियरलेस और ब्रेव वी विल फॉर्म अ ब्रदरहुड कॉल द खालसा और जिसको हम ये जो हमारा ब्रदरहुड होगा जिसको क्या बोलेंगे हम खालसा बोलने बोलेंगे एवरी वन विल बी इक्वल एंड वी विल ऑल शेयर द सेम नेम और हम सब इक्वल होंगे और एक ही नाम को फॉलो करेंगे एक ही नाम को शेयर करेंगे सिख मैन विल बी कॉल्ड सिंह और सिख मैन को ही सिंह के नाम से भी जाना जाएगा विच मीस लायन जिसका मतलब क्या होता है लायन एंड सिख वीमैन विल बी कॉल्ड कोर विच मीस प्रिंसेज और उनको कोर नाम से जाना जाएगा क्योंकि प्रिंसेज विल वी आर स्पेशल साइंस सो दैट पीपल विल नो वी आर सिक्स और हमारे पास कुछ स्पेशल साइन होंगे जिनसे लोग हमें इजीली पहचान पाएंगे कि हम सिख हैं विल वीअर आवर हेयर अनकट और हमारे जो बाल होंगे वो हमेशा अनकट रहेंगे हम उनको कटवाएंगे नहीं टाइड अप एंड कैप्ड इन प्लेस विद अन अ स्मॉल कॉम एंड कन्वर्टेड ऑन अ बाय अ टर्बन और हमेशा अपने उसको बिना स्मॉल कॉम से ही करके और हमेशा अपने सर को टर्बन से कवर रखेंगे ओन आर रिस्ट वियर अर स्टील बैंगल्स और हमेशा अपने रिस्ट को एक स्टील बैंगल उसमें वियर करेंगे बिकॉज स्टील स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज क्योंकि स्टील जो है वो किसको स्टैंड करता है स्ट्रेंथ और करेज पर स्टैंड करता है वी विल कैरी अर स्वॉड टू प्रोटेक्ट द वीक एंड आर सेल्व और हम हमेशा स्वॉड को रखेंगे अपने पास क्यों क्योंकि वो हमेशा में प्रोटेक्ट करेगी वी we'll विल वी आर आर स्पेशल ट्राउजर सो दैट वी कैन राइड आर हॉर्सेज विद ईज और हमारे ट्राउजर्स भी होंगे वो भी स्पेशल होंगे ताकि हम हॉर्स पर ईजिली क्या कर पाएं राइडिंग कर पाए वील लर्न टू लिव वर्क एंड प्ले टूगेदर एज इक्वल और हम हमेशा साथ में जियेंगे साथ में काम करेंगे और साथ में ही खेलेंगे इक्वली विद आर स्पेशल अपीयरस वी विल ऑलवेज बी नोटिस्ड फॉर वट वी डू और स्पेशल अपीरियंस होगी कि हम क्या करने वाले हैं देन द गुरु ब्लैस द मैन he he took the 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 bowl of of holy water water called amrit and and it it with a small sword. He gave the five men some of the water to drink and then sprinkled it over their heads. अब पे गुरु गोविंद सिंह उनको ब्लेस्ड करते हैं पांचों व्यक्तियों को और क्या लेके आते हैं एक अपना स्वीट एंड वाटर लेकर आते हैं जिसको हम अमृत के नाम से जानते हैं और उस बाउल के अंदर वहाँ पर एक स्मॉल sword भी अपने साथ रखते हैं और फाइव जो व्यक्ति हैं वो क्या ही गेव द फाइव मैन ऑफ दिस वाटर उनको पीने के लिए देते हैं और स्प्रिंकल भी कर देते हैं उनके हेल्थ पर है ना उनके सर पर पानी की जैसे छीटे लगाते हैं बच्चे वैसे छीटे लगा देते हैं और पानी को उनको पीने के लिए भी दे देते हैं एज ही डिड सो ही मेड द मेम्बर्स ऑफ द न्यू फैमिली और बोलते हैं ये हमारे नए फैमिली के मेंबर्स हैं द खालसा और इनको क्या बोलेंगे हम ये खालसा हैं इट इज सेट दैट बाई द एंड ऑफ द डे ओवर ट्वेंटी थाउजेंड पीपल बिकेम के मेंबर्स ऑफ द खालसा तो उसी दिन क्या ट्वेंटी थाउजेंड पीपल ने खालसा पंथ को ग्रहण कर लिया और उसको अपना लिया सो so, ये एक छोटी सी स्टोरी है बच्चे जो बेस है किस पर गुरु गोविंद सिंह पर है ना और एक ट्रू स्टोरी है जिसमें किस तरह से पांच लोगों ने अपनी क्रेज अपने साहस और अपनी ब्रेवरी को शो किया गुरु गोविंद सिंह के आगे सो so, ये है रानी एंड जगू सिंह के थ्रू लिखा हुआ सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग